हाय एवरीवन, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये टेलर खाली करना है। आज मेरे को गड्ढे में फिर नए साइड पे काम करना है मोबाइल क्रेन से। आप लोग का JK52 में स्वागत है। मैं एक मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हूँ और मैं क्रेन चलाता हूँ। ये देखिए जो गड्ढा दिख रहा है ये लगभग 50 से 60 फीट नीचे गड्ढा है, इसी में हमको आज क्रेन से सामान सारा डालना है। ये देखिए गड्ढा दिखा, ये रैंप बना हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रैंप है, ठीक है। ये मेरा क्रेन खड़ा है, ये देखिए ये क्रेन खड़ा है। और ये जो दिख रहा है ये जंगल पहाड़ों के बीच में काम चालू है। ये अभी मैं फ़िलहाल सऊदी अरबिया में हूँ। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए चारों साइड से गड्ढा है, कहीं जगह नहीं है। 30 से 32 मीटर तक रेडियस आता है। ये मेरा क्रेन खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चारों साइड गड्ढा खून के रखा है, क्रेन लगाने के कहीं जगह नहीं है। 20 से 25 फीट दूर क्रेन लगाया हूँ, ठीक है। ये देखिए ये रैंप बनाया हुआ है, ये रैंप बना के वो नीचे आदमी लोग काम कर रहा है। इसमें सरिया हो गया, कारपेंटर का सामान हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारा का सारा चीज़ मैं डालेगा इसके अंदर। ये देखिए कभी कभी इसके अंदर से मैं क्रेन लेके अंदर घुसाता, ज़बरदस्ती ये लोग करता है। तो कभी कभी ये रैंप है ना, अगर नीचे जगह रहता है तो हम क्रेन घुमा इसके अंदर घुसाते भी है। क्रेन अंदर नीचे उतार के काम करते हैं, देख रहे हैं। ये चारों साइड ये देखिए खड्डा जो खोदा है ना, जब मैं दिखा रहा हूँ चारों साइड घुमा के आप लोग को, ये खड्डा दिख रहा है, यही काम करना है। आदमी लोग बैठा है, नाश्ता पानी कर रहा है। देखिए कितना ऊपर है, क्रेन मेरा कहाँ है और खड्डा कहाँ है, आप लोग देखिए। ये देखिए आदमी लोग बैठा है नीचे। यहाँ की लाइफ इतना आसान भी नहीं है दोस्त। ये देखिए ये जो फाउंडेशन बनाया है इसी में आज काम करना है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये छोटा सा गड्ढा बनाया है 50 फीट नीचे, और ये काम करते हुए 50 फीट ऊपर जाएगा। मैं घुमा के चारों साइड आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए। ये देखिए बारिश हुआ था, ये सारा पानी इधर से अंदर जा रहा था, ये पानी का निशान है। देखिए गड्ढा उधर खोना है, मगर बीच बीच में अलग से एक गड्ढा खोना है ऊपर, कम से कम 5 फीट के ऊपर, कि मिट्टी नीचे ना जाए। ये देखिए ये देखिए मैं फ्रंट कैमरा चालू करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरा पीछे क्रेन खड़ा है, ये देखिए चल जिधर काम करने आया हूँ उधर देखिए। जो भी भाई ऑपरेटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, अगर गल्फ में कहीं भी आना चाहते हैं तो ऐसे ही काम होता है, उसके बारे में मैं हमेशा जानकारी देते रहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो ऑपरेटर हैं, जो नए आते हैं, जो नए साइड पर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या काम होता। तो हम सिविल लाइन में अभी काम कर रहे हैं, और बहुत डेंजर, ये सबसे डेंजर होता है ये गड्ढे में काम करना। आपको पता है, जो ऑपरेटर है उनको पता है कि सबसे डेंजर होता है गड्ढे में काम करना। ये देख सकते हैं चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। ये देखिए ये धूप की वजह से मेरा चेहरा सही से दिख नहीं रहा, क्योंकि चारों साइड से खुला है, धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी गल्फ में गर्मी, कहीं भी जाओगे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी देखिए बाइक कैमरा चालू किया हूँ, देखिए देखिए पहाड़ यहाँ पे, देखिए चारों साइड के एक गड्ढा खोन के रखा है, पत्थर है, मिट्टी है चारों साइड। ये देखिए जो रैंप दिखा रहा था आपको उतारने के लिए, गाड़ी आदमी उतारने के लिए, छोटा मोटा सामान उतारने के लिए, ये देखिए पत्थर सारा है, सारा का सारा पत्थर है। यही पत्थर में खोद के लोग कुछ बनाएगा, पानी वानी टंकी डालेगा या जो भी डालेगा इनको, उसके बाद हमको क्या काम करने से मतलब, हम काम करके चला जाएगा। अब उसके अंदर क्या करेंगे ये लोग, क्या नहीं करेगा, तब तक तो हम लोग साइड ही पे रिलीज हो जाता है। हमारा काम है सिर्फ ये सब सारा सामान डालना, और ये सरिया है, ये सरिया को डालना, मुरब्बा डालना, कारपेंटर रखना। ये देखिए यहाँ के लेबर की लाइफ देखिए, मैं भी क्रेन ऑपरेटर हूँ, ये लेबर की लाइफ। ये जो रैंप दिखा रहा हूँ ये क्रेन है मेरा, आप लोग क्रेन के बारे में तो जानते ही है, मेरा क्रेन है। और ये देखिए ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ चार दूसरे साइड से, ये देखिए
ये फाउंडेशन बना है ना, इसी पे सरिया के कॉलम टाइप के, इतना बड़ा कॉलम टाइप का बनाएगा, और कॉलम टाइप का बना के इसके अंदर पानी वानी जो भी रखना होगा वो लोग रखेगा, जिसका काम है वो जाने, हमारा काम है सिर्फ तैयार करके देना, ठीक है। तो आप लोग भी अगर गल्फ में कहीं भी आ रहे हैं तो डरिए ना, प्लीज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे मेरा बहुत गड्ढा है, इसके लिए पीछे मैं बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने से मैं अंदर ना गिर जाऊँ, वो भी तो देखना है ना। ये देखिए, ये पीछे जो रैम था वो है, और ये धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, ये देखिए दिख रहा है अभी, ये देख रही है, इतना नीचे है, कम से कम 60 फीट नीचे है वो, और उसी में आज हमको काम करना है ना, साइड पे लेके आए हूँ क्रेन, उसी में हमको काम करना है, ठीक है। ये जो उतारने के लिए चारों साइड ऐसा ही साइड पे काम मिलता है, देखिए अभी क्रेन पे आ गया हूँ, अभी सामान रखना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए छोटा छोटा सा सामान है, वही सामान रखूँगा, ये मेरा रिगर है, किसी टाइम मैं रिगर के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पे रिगर का क्या सैलरी है और कितना तक कमा लेते हैं और क्या काम करना पड़ता है क्रेन पे, वो सारा का सारा चीज़ बताऊंगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, देखिए बूम निकाल दिया, अभी ये सामान रख रहा हूँ, देखिए ये देखिए अभी सामान छोटा छोटा उसका अंदर डालेगा, उतना दूर है गड्ढा, ये गड्ढा नज़दीक दिखता है, मगर अभी टेलर से सामान खाली करके नीचे रखेगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं गड्ढे में सारा सामान डालूंगा, ठीक है। ये 50-60 फीट अंदर का गड्ढा है, अभी देखिए मैं काम कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा रिगर लोग है, वो दो वर्कर है जो सीलिंग लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये लोग सीलिंग लगा रहे हैं, अभी अभी मैं गड्ढे में डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम में मैं रिगर के बारे में बताऊँगा, रिगर का सैलरी कितना है और रिगर का क्या काम करना पड़ता है, रिगर लोग को कितना तकलीफ होता है नहीं होता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा रिगर लोग के बारे में, कितने टाइप का रिगर होते हैं, क्या इंटरव्यू होता है, क्या इंटरव्यू करके रखता है, ठीक है। देखिए अभी रख रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।